तो मैं हूँ थॉर और मेरा काम है एसगार्ड की रखवाली करना। और क्या होगा अगर मैं एसगार्ड में रहूं ही ना, तो मैं सरवाइव करने वाला हूँ 100 डेज बट एज अ थॉर। और अगर ये वीडियो देखने में तुमको मजा आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। एंजॉय द वीडियो। तो मैं स्पॉन हो गया था एक स्पेसशिप में, और वो भी थॉर के रूप में, और मेरे हाथ में मेरा हथौड़ा था नहीं यार, और मुझे नहीं समझ रहा था कि यार मुझे कहाँ जाना पड़ेगा। तो यार सबसे पहले मैं आगे जाके देखता हूँ, और यहाँ पे यार सच में एक स्पेसशिप था जो कि जंगल बायम के ऊपर रुका हुआ था। तो फिर उसके बाद मैं ऊपर चले जाता हूँ और ऊपर जाके थोड़ा बहुत और एक्सप्लोर करता हूँ, क्योंकि यार मुझे ना थोड़ी बहुत लूट तो मुझे यहीं से चाहिए, क्योंकि यार मुझे थोड़ा बहुत काम था। तो यार सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक चेस्ट दिखता है जिसमें से मुझे बहुत भयानक तरीके से आयरन मिल जाता है, और जैसे ही मैं पीछे पलटता हूँ यहाँ पे था मेरा मेयोनी। तो इसको जल्दी से मैं उठा लेता हूँ, और यार उठाने के बाद यार मैं यार बहुत ज्यादा यहाँ पे पावरफुल हो चुका था, और यार अब मेरे पास बहुत ज्यादा ही दम आ चुका है। तो यहाँ पे मैं एक बार फेंकने का ट्राई करता हूँ, और गलती से यहाँ पे फेंक देता हूँ मैं, तो यहाँ पे आग आग लग जाती है। तो उसके बाद मैं नीचे चला जाता हूँ, और यार नीचे जाने के बाद यार अब बारी थी यहाँ से आगे जाने की, और अब मुझे अभी पता चलता है कि मैं उड़ भी सकता हूँ, और वैसे मैं कितने देर उड़ सकता हूँ वो तो मुझे भी नहीं पता। और फिर उसके बाद मैं अपना हथौड़ा इधर उधर फेंक के देखता हूँ, जिससे यार बहुत ज्यादा स्ट्राइक भी निकलती है, मतलब बिजली बिजली आती है, और मैं अपना वेदर भी चेंज कर सकता था। अगर मैं बहुत ज्यादा गुस्से में रहूंगा तो मैं वेदर चेंज कर सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात तो मुझे पता लगाना है कि मैं इस वर्ल्ड में आया कैसे। और जब मैं इस पांडा से पूछता हूँ कि मैं कैसे आया, तो इसको कुछ नहीं पता था, तो मैं इसके ऊपर ट्राई कर देता हूँ एक बार इसको मार के कि हमारा जो हैमर है वो काम का है भी कि नहीं। तो यार एक ही बार मैंने उसको मार दिया था, ये तो बहुत अच्छा था। तो यार उसके बाद मैं जल्दी से थोड़ा बहुत क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ, अपने लिए आर्मर बना लेता हूँ क्योंकि यार इसकी जरूरत है मुझे, और एक स्वॉर्ड भी बना के रखता हूँ क्योंकि क्या पता काम आ जाए भाई एकदम क्लोज रेंज के फाइट में। फिर आगे जाने के बाद मुझे दिखता है एक विलेज जो कि यार बहुत ज्यादा टूटा फूटा था, और सामने मुझे दिखता है यार एक हेड्स नाम का बंदा है जो उसने यहाँ पे बहुत भयानक तरीके से रेड मार दिया है। और यहाँ के जो जॉम्बी लोग हैं ना वो भी यार बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यार ये लोग भाई सीधा मुंह पे ही थूक दे रहे हैं कुछ ग्रीन ग्रीन कलर की चीज। फिर इन सबको मैं मार देता हूँ, और उसके बाद यार मैं इनसे जाके बात करता हूँ जो हेड्स था, और ये मुझसे बोलता है मुझे गौर ने भेजा है इस दुनिया पे हमला करने के लिए और सारे भगवान को मारने के लिए, और अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो तुम भी मारे जाओगे। और ये बात सुनने के बाद एक गोलम आता है अपने विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन ये उसको भी मार देता है। और यार इसको जब मैं मारने की कोशिश करता हूँ, एक तो इसको हिट लगती है नहीं, और इसको मेरे हथौड़े से भी कुछ नहीं हो रहा था, इसको रिफ्लेक्ट कर दे रहा था वो, लेकिन अभी के लिए एकदम से भाग जाता है यहाँ से। और यार उड़ते हुए जैसे ही अपने बायोम में घुस जाता है अपने काले वाले बायोम में, तो यार ये वाली जो जगह थी यहाँ का बारिश वारिश भी रुक गया था। तो उसके बाद यार मैं यहाँ पे ना पूरा खाने वाने की चीज़ें तोड़ लेता हूँ, क्योंकि यार ये मेरे काम आ सकती है वैसे भी। और सामने में एक रेनबो आया था यार बहुत अच्छा सा, जो कि यार बहुत गजब दिख रहा था। और उसके बाद मैं जाता हूँ आगे, और आगे जाने के बाद मुझे दिखता है एक अजीब सा घर, और बाजू में यार थोड़े बहुत और अजीबोगरीब स्ट्रक्चर थे। और फिर जैसे ही मैं नीचे आता हूँ तो नीचे में मुझे दिखता है एक एलेक्स, मतलब दिखती है एलेक्स, और यार इससे मैं जाके जब बात करता हूँ और पूछता हूँ कि यार यार तुम मुझे जानते हो क्या, मेरे बारे में कुछ पता है क्या, तो ये मुझे नहीं बोल रहा था। और जैसे ही मैं इसका खाना लूटता हूँ तो यार वैसे ही मुझे मारना चालू कर देती है। तो अब यार मैं क्या ही कर सकता था भाई, ये बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर रही थी मेरा, तो इसको मैंने जल्दी से यहाँ पे मार देता हूँ। और फिर जैसे ही वो मर जाती है वैसे ही मैं इसके घर पर पूरा अटैक बोल देता हूँ, मतलब पूरा बर्बाद कर देता हूँ इसके घर को, क्योंकि यार अब इधर कोई रहेगा ही नहीं तो क्या मतलब है इसको रह के भी। तो उसको मैं जला देता हूँ, और उसके बाद यार मैं आता हूँ यहाँ पे बाजू में, और बाजू में एक अजीब सी जगह थी जिसके अंदर भाई एक ही रूम था, पता नहीं क्या था वो, जान दो उसको। और यहाँ पे लिखा था कि हीरो ब्राइन वॉज समन हियर बाय गौर, यार गौर वही है जो हमारा दुश्मन है और वो सारे भगवान को मारना चाहता है। मतलब यार मैं भी थॉर ही हूँ, मतलब मैं भी एक भगवान ही हूँ, तो मुझे भी मारना ही चाहता है। अब जब वो आएगा देखा जाएगा। तो उसके बाद यार मैं बाजू में यहाँ पे एक चेस्ट था, तो इसमें से लूट लेता हूँ थोड़ी बहुत चीजें। तो यहाँ पे अच्छी अच्छी चीजें मुझे मिलती है, और यार एक अजीब सा हेलमेट मिला था जिसको मैं पहन लेता हूँ। और उसके बाद मैं थोड़ा बहुत और आगे जाता हूँ, तो यार मुझे दिखता है यहाँ पे यार बहुत सारे पिलेजर लोग का पूरा एकदम कैंप साइट था इधर, और इनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इन लोगों ने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया था, जिसका मतलब यार अब मेरा पूरा दिमाग आउट हो चुका था। और यार यहाँ पे मैं अपने पूरे हैमर से इनका पूरा प्रजाति खत्म कर देता हूँ यहाँ पे। तो यार यहाँ पे एक बंदा बस बाकी था जो कि डर गया था, तो ये मुझे आके बोलता है कि यार हमको छोड़ दो यार, लेकिन मेरा पूरा इसके ऊपर दिमाग खराब हो गया था, क्योंकि इसी के प्रजाति के लोग ने यार मेरे साथ अच्छे से बात नहीं किए। तो इसको मैं बस मार नहीं जा रहा था, उतने में अपनी स्वॉर्ड ड्रॉप कर देता है और मुझे बोलता है कि यार ये स्वॉर्ड का एकदम अटैक डैमेज जो है वो 50 का है, तुम इसको रख सकते हो फ्री में। तो ये वाली डील तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी, तो यार मैं इसको जाने देता हूँ और मैं भी अपने रास्ते चलता हूँ। और आगे जाने के बाद यार मुझे दिखता है एक बंदा जो कि ऊपर से आता है, और यही था वो गौर, जो कि यार मुझे आके बोलता है मेरे सामने तुम कुछ भी नहीं हो, पर भी तुम्हारे पास दूसरे भगवानों से बहुत ज्यादा अच्छी ताकतें हैं, हम दोनों साथ में मिलकर इस दुनिया पे राज करेंगे और एसगार्ड पे भी हम ही लोग राज करेंगे। और फिर उसके बाद मैं इसको बताता हूँ कि जो एसगार्ड है वो ओडिन का है, और वो ओडिन है मेरा पापा, तो फिर सीधी सी बात है मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा। तो उसके बाद यार यहाँ पे आ जाता है एक गॉड इसको मारने के लिए, लेकिन इसने यार एक ही हिट में उस गॉड को खत्म कर दिया था जो कि था ज्यूस। और भाई ये एक ही बार में जब उस गॉड को मार सकता है तो ये मुझे ही मार सकता था, तो मैं कैसे तैसे जान बचा के वहां से भाग जाता हूँ। और फिर आगे जाने के बाद मैं बना लेता हूँ अपने लिए एक एक्स, और यार इससे ना मुझे अभी एक बनाना था अपने लिए घर, अच्छा सा बेस एकदम रहने के लिए जहाँ पे मैं रह सकूँ। तो यहाँ पे मैं बहुत सारे ट्रीज को चॉप कर देता हूँ, और यार इसका मैं एकदम अच्छे से जगह बना लेता हूँ यहाँ पे, और पता नहीं
कौन सा एक अजीब सा बंदा मुझे मारने आ गया था, इसको मैं अपने हथौड़े से मार देता हूँ और उसके बाद मैं अपना यहाँ पे एकदम घर बनाना चालू कर देता हूँ, जो कि यार बहुत ज्यादा बेसिक सा था लेकिन अच्छा बना था ये घर। और तुम लोग चाहो तो मुझे रेटिंग भी दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। और उसके बाद मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने के लिए निकलता हूँ, लेकिन मेरे घर के सामने एक अजीब सी चीज जगह मिलती है मुझे, तो यार उससे पहले एक बंदा आ रहा था मुझे मारने के लिए, तो इसको मैं मारता हूँ सबसे पहले तो। और यार पता नहीं ये सब लोग कौन है यार इनको, लेकिन फालतू में मारते रहता हूँ। और उसके बाद मैं बना लेता हूँ एक पिकैक्स, और उसके बाद जैसे ही इसके अंदर घुसता हूँ ना, यहाँ पे सामने में रखा था एक एंडर चेस्ट, तो इसको मैं सबसे पहले खोलता हूँ। और यहाँ पे पड़ा था एक बुक यार, जिसको मैं खोल के पढ़ता हूँ ना, तो मुझे पता चलता है कि यार यहाँ पे लिखा था आई नो थॉर यू विल रीच हियर, मतलब यार कोई जानता था कि मैं यहाँ पे पहुंचूंगा ही। और यहाँ पे आगे ये भी लिखा था कि ये सब जो एमरल्ड के जो पूरे स्ट्रक्चर है, ये किसी ने एस्ट्रॉइड बना के कोई दूसरे यूनिवर्स से यहाँ पे गिराए हैं, और यहाँ से मुझे 100 को कलेक्ट करना पड़ेगा एमरल्ड को, और जाके किसी विजार्ड को देना पड़ेगा, तो वो मुझे मैजिकल स्टिक देगा। और यहाँ पे दूसरे पेज में लिखा था कि यार उसके मदद से मैं अपने यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो सकता हूँ, जो कि था एसगार्ड में। और यहाँ पे आखिरी में ये भी लिखा था कि गॉड द बूचर से बच के रहना, क्योंकि यार वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। और यार ये जो मैसेज था ना, वो था ओडिन के तरफ से मेरे लिए, तो यार अब यार मुझे यार वो एकदम पता करना पड़ेगा कि यार मुझे किस विजार्ड से मिलना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे तोड़ना चालू कर देता हूँ पूरे एमरल्ड को, और यार उसके बाद मैं एक दिन भर पूरा तोड़ता रहता हूँ, तो यार उससे ज्यादा ही कलेक्ट हो गया था मेरे पास, और वैसे ही बहुत सारे एमरल्ड इधर बाकी थे। तो अब मैं सबसे पहले जाता हूँ आगे की तरफ, और आगे मुझे दिखता है कि यार एक एंडरमैन एक विलेजर को मार रहा था पता नहीं क्यों फालतू में, तो मुझे ये देख के अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यार मैं भी एक भगवान हूँ, तो मेरा फर्ज होता है कि यार ऐसे अच्छे लोगों को मैं बचाऊं। तो फिर उसके बाद मैं इससे बात करता हूँ, लेकिन बात करते करते ये पता नहीं क्यों एकदम से पागल हो जाता है और मुझे मारना चालू कर देता है। तो यार अब इसने मेरा पूरा दिमाग खराब कर दिया था। सबसे पहले मैं इसको मारता हूँ हैमर से, लेकिन यार ये बहुत अच्छे से डॉज कर सकता था, तो इसको मैं एक ही बार स्वॉर्ड से मारता हूँ और ये मर जाता है। और उसके बाद मैं विलेजर से बात करता हूँ, तो ये मुझे बोलता है कि यार थैंक यू मुझे बचाने के लिए, नहीं तो यार यार आज वो एंडरमैन इसके पूरे एमरल्ड लूट के चला जाता और ये बेचारा कुछ कर भी नहीं पाता। तो ये मुझे इन्वाइट करता है अपने घर के लिए, और यार मुझे बहुत सारा खाना दे देता है, क्योंकि मेरे पास खाना नहीं था। और यार इसके पीछे पीछे मैं इसके विलेज में चलता हूँ, और इसके विलेज में पहुंचने के बाद मुझे दिखता है कि यार वो जो हमारा ये जो हेड्स है ना, वो यहाँ पे भी रेड कर रहा था और एक एक करके यहाँ पे हर एक विलेजर को मार रहा था बहुत बुरे तरीके से, वो भी पूरी लाइटनिंग गिरा गिरा के मार रहा था। और फिर मैं वो वाले विलेजर को बोल देता हूँ कि यार घर में जाके तुम छुप जाओ, नहीं तो यार तुम फालतू में मर जाओगे। तो उसके बाद यार मैं सबसे पहले जाता हूँ उससे बात करने के लिए, और इस बार ये बात करने के मूड में था नहीं, क्योंकि यार ये बहुत ज्यादा एकदम बेकार बेकार बातें बोल रहा था मुझे। और उसके बाद यार इसने मुझे मार ही दिया था, और जब इसने यार ये लड़ाई का माहौल चालू कर ही दिया है, तो यार मैं भी पीछे नहीं रहने वाला हूँ। तो उसके बाद मैं इसको बहुत ज्यादा बुरे तरीके से मारने लगता हूँ, और इसके बाद यार ये बहुत भयानक भयानक तरीके के लोग भी स्पॉन कर दे रहा था, तो इसको भी मैं सबसे पहले मारता हूँ भाई ये, जो कि बहुत ज्यादा भयानक दिखता है, लेकिन इसको मैं मार देता हूँ आराम से, क्योंकि मेरे पास हैमर था वो भी। तो फिर मैं वापस से आ जाता हूँ हेड्स के पास इसे लड़ने के लिए, और उसके बाद मैं इसको बहुत बार हैमर से मारने की कोशिश करता हूँ, इसके ऊपर लाइटनिंग गिराता हूँ, लेकिन बहुत मेहनत के बाद ये आखिरकार यार अपना दम तोड़ ही देता है और ये मर जाता है यहाँ पे। तो उसके बाद जैसे ये मर जाता है, तो यार यहाँ पे सुबह भी होने लगी थी और एकदम अच्छे से पूरा बारिश का माहौल भी खत्म हो जाता है, पता नहीं कैसे यार ये कंट्रोल कर पा रहा था शायद दुनिया को। और तुम लोग को मैं सच बताऊं ना यार, तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आया इसको मारने में हमारे हैमर से, वो भी थॉर के। तो फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाता है वही वाला विलेजर, और मुझे बोलता है कि यार मैं तुमको गिफ्ट में दो शिप देना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। अब पता नहीं यार मैं शिप का क्या करूंगा, लेकिन यार चलो किसी का गिफ्ट है तो ले ही लेते हैं। और उसके बाद ये जाके चला जाता है अंदर आराम से रहने के लिए, और यार ये इसके शिप लेके मैं चल लेता हूँ भाई अपने घर के तरफ, रख लेंगे यार क्या प्रॉब्लम जाता है। तो इनके लिए मैं अलग से एक जगह बना देता हूँ रहने के लिए, तो यहाँ पे ये लोग पड़े रहेंगे। और यार एकदम से कुछ अटैकर लोग मुझे मारने आ जाते हैं, शायद से यार इन लोगों का ना पता नहीं किसने भेजा था, शायद गौर ने भेजा होगा इन लोग को मुझे मारने के लिए, लेकिन यार ये लोग मेरा क्या ही बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि यार मैं भाई थॉर हूँ, मेरे पास हैमर है इतना भयानक वाला, और इसके बावजूद मैं कैसे ही मरूंगा। तो सबसे पहले तो मैं इन तीनों को निपटा देता हूँ, और यार अब ना मुझे यार एकदम चौकन्ना रहना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं जाके सो जाता हूँ, और फिर अगले दिन मुझे एक अजीब सी चीजें दिखती है भाई उड़ती हुई। तो मैं जैसे ही इसके पास जाता हूँ, तो मुझे दिखता है कि यार यहाँ पे आ चुका था आयरन मैन, जो कि हमारे टोनी स्टार्क भैया, और ये मुझे देखने के बाद यार वापस से आ जाता है मेरे पास, और यार मेरे से बात करना चालू करता है, लेकिन इससे मैं बात कर ही रहा था उतने में यार ये मुझे मारना चालू कर देता है अपनी बंदूक से। तो यार पता नहीं क्या हो गया था हमारे टोनी स्टार्क को, तो यार मैं जल्दी से खा लेता हूँ हमारे एंचांटेड गोल्डन एप्पल, और फिर ये उड़ते हुए आता है मेरे पास और मुझे बंदूक से मार ही रहा था, लेकिन एकदम से रुक जाता है। तो यार मैं सबसे पहले तो यहाँ पे भागता हूँ, और यार मैं बोलता हूँ कि यार नॉर्मली हम लोग आके बात कर लेते हैं, तो यार ये पता नहीं कैसे मेरी बात सुनता है और बंद कर लेता है अपना पूरा सिस्टम। और उसके बाद ये मेरे पास आता है, और इसको मैं सारी कहानी बताता हूँ अपनी, यार मेरे साथ क्या क्या हुआ है और मुझे कहाँ जाना है। और फिर ये मुझे बताता है कि यार इसके पास कुछ रहने सहने के लिए घर वर है नहीं, तो मैं बोलता हूँ कि यार तुम मेरे झोपड़े में रह सकते हो एकदम आराम से, हम लोग साथ में रहेंगे। और गलती से यहाँ पे मैं आग लगा देता हूँ, तो यहाँ पे ये अपना बेड लगा देता है। उसके बाद यार मुझे बताता है कि यार इसको एक बहुत बड़े मिशन पे जाना है, जो कि एक विलेज को सेव करने का, जिसपे पूरी मकड़ियों ने पूरा एकदम कब्जा कर लिया है, तो इसकी मदद अगर मैं करूंगा तभी तो ये मेरी मदद करेगा ना। तो उसके बाद यार मैं अपना घर का यहाँ पे पूरा दरवाजा लगा देता हूँ, और इसके साथ में उड़ना चालू करता हूँ। और फिर उसके बाद जैसे ही हम लोग यहाँ पे पहुंचते हैं ना, तो यार यहाँ पे सच में पूरी मकड़ी लोगों ने यार यहाँ पे पूरा हमला बोल दिए थे, तो एक एक करके यार हम लोगों ने बहुत आराम से इसको मार दिया, क्योंकि यार वो जो हमारा आयरन मैन है ना, वो यार बहुत ज्यादा दमदार है। तो उसके बाद यार यहाँ पे एक भी विलेजर बचा नहीं रहता है, लेकिन विलेज को तो हमने बचा लिया, लेकिन यहाँ पे रहेगा कौन, कोई मतलब नहीं आया उसका। और यहाँ पे एक मकड़ी बाकी थी, तो इसको
मैं मार देता हूँ। और उसके बाद यार हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि घर खोल वोल के देखते हैं, लेकिन यार यहाँ पे कोई नहीं था। जब इसने भी चेक किया तो यहाँ पे कोई नहीं रहता है, तो इसको मैं बोल देता हूँ कि यार तुम चले जाओ वही वाले घर में जो कि हमारा घर था, और मैं किसी और काम से आगे जाऊँगा। और अभी मैं जाने वाला वही वाले विजार्ड को ढूंढने के लिए कि वो कहाँ पर रहेगा। तो उसके बाद मैं आगे जाता हूँ, और आगे जाने के बाद मुझे दिखता है कि यार यहाँ पे कोई आदमी यार बहुत बड़े बड़े राक्षसों को मार रहा था, और ये आदमी यार कुछ जाना पहचाना लग रहा था मुझे। तो यार ये रहता है लोकी जो कि यार मेरा भाई है, और ये मुझसे बोलता है अरे थॉर मैं तुम्हें कितने दिन से ढूंढ रहा था, हम दोनों यार साथ में एकदम अलग अलग हो चुके थे। इससे पहले हम लोग लड़ाई कर रहे थे गौर द बूचर से, और उस राक्षस ने यार अपने मैजिकल पावर्स के दम पे हम लोग को इस यूनिवर्स में भेज दिया है, जो कि यार बहुत ज्यादा अजीब सी दुनिया है। पता नहीं आके लोग कैसे कैसे है। यहाँ पे एक हरे कलर का मॉब भी है जो कि यार फूट जाता है कभी कभी। और अभी अभी मुझे ओडिन का लेटर मिला है, और मुझे पता भी है कि वो विजार्ड कहाँ रहता है, और कल सुबह हम लोग साथ में मिलकर उस विजार्ड के पास जाएंगे और वो छड़ी लेके चलेंगे एस्गार्ड में वापस। तो इसकी ये बात सुनने के बाद यार इसको मैं थोड़ा बहुत खाना दे देता हूँ, और ये मुझे बोलता है कि इसके घर में चलूं मैं। तो इसके पीछे पीछे मैं चलने लगता हूँ, और उसके बाद मैं इसके घर में पहुंचता हूँ, और ये मुझे बताता है कि अपने हाथों से इसने ये पूरा घर बनाया है, लेकिन इसकी बात पे मुझे कभी विश्वास होता नहीं है। तो जाने दो यार वो बात को। तो ये बोलता है कि यहाँ पे सो जाते हैं आज रात और कल जाएंगे विजार्ड के पास। तो मैं भी सो जाता हूँ यहीं पे, और यार मेरा रिस्पॉन्ड पॉइंट अब यहाँ का सेट हो चुका है, वैसे उसका कोई मतलब नहीं रखता। तो यार सुबह सुबह हम लोग जाते हैं उस जगह में जहाँ पे ये मुझे लेके जाना चाहता था, और आखिरकार हम लोग पहुंच ही गए थे। वैसे यहाँ पहुंचने में हमको बहुत ज्यादा टाइम लगा है। और फिर उसके बाद ये मुझे बोलता है कि पूरे एमराल्ड मैं इसको दे दूं, तो इसको मैं पूरे एमराल्ड दे देता हूँ। और ये बोलता है कि यार मैं जल्दी से ट्रेड करके ला लेता हूँ वही वाली चिक। तो फिर उसके बाद यार मैं बहुत देर तक वेट करता हूँ, लेकिन यार वो आने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो यार मैं जाता हूँ उसको देखने के लिए कि भाई इतना टाइम क्यों लग गया इसको। तो यार जैसे ही मैं ये वाले बायोम में पहुंचता हूँ, तो यार वैसे ही यहाँ पूरा आसमान काला हो गया था। तो उसके बाद मैं जैसे ही अंदर जाके देखता हूँ, तो मुझे दिखता है कि यार वो विजार्ड को मार देता है। और इससे जब मैं पूछता हूँ कि यार तुमने उसको क्यों मारा, तो ये बोलता है तुमको क्या लगा मैं तुम्हारे साइड से हूँ, मैं हूँ गौर के साइड से, मैं उसके साथ हमारे एस्गार्ड पे पूरा हमला करूंगा, और मैं और गौर इस दुनिया के भगवान होंगे। तो फिर इसकी ये बात सुनने के बाद यार मुझे बहुत बुरा शॉक लगता है एक, लेकिन यार इसको मैं छोड़ने नहीं वाला हूँ अब, और इसको यार मैं बहुत बुरी मौत मारता हूँ। लेकिन यार इसको मारने के बाद यार मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि यार मेरे भाई ने मेरे साथ इतनी बुरी हालत करी है मेरी। तो यार अब क्या कर सकते हैं हम लोग, लेकिन यार आगे क्या करना होगा वो मुझे सोचना पड़ेगा। और कमेंट सेक्शन में लिख देना रेस्ट इन पीस लोकी। और उसके बाद मैं जैसे ही अपने घर पहुंचता हूं, तो यार यहां पे एक बहुत अच्छा सा रेनबो वाला आ गया था, रात वाला रेनबो, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, मुझे कमेंट में बताना। और उसके बाद यार यहां पे जो हमारा घर था ना वो डबल फ्लोर का हो गया था पता नहीं कैसे, और ये जो आयरन मैन था हमारा उसने सूट भी अपना चेंज कर लिया है, शायद ये घर में बैठ के यही सब काम कर रहा था। हमारा घर भी डबल फ्लोर का कर दिया इसने। और फिर मैं हमारे स्टार्क भाई को मैं सारी बातें बताता हूँ जो जो चीज मेरे साथ हुई। और यार जब मैं इससे पूछता हूँ ना कि यार वो विजार्ड तो मर चुका है, वो मुझे स्टिक कहाँ से मिलेगी, तो ये बोलता है कि यार ये एक और किसी को जानता है, वो भी उसकी बीबी को जानता है जो कि यार वो ऐसी स्टिक बनाती है। लेकिन इसने अभी मुझे एक अजीब सी स्टिक दी थी जो इसने खुद बनाई थी, और ये मुझे बोल रहा था कि यार इसको ट्राई करके देखो। तो फिर जब मैं बाहर जाके इसको ट्राई करता हूँ ना भाई, यार मैं पूरा एकदम बिचक जाता हूँ कि यार ये क्या हो गया। और जैसे ही मैं यहाँ पे एक राइट क्लिक को रिलीज करता हूँ, वैसे यार यहाँ पे बहुत बड़ा होल हो जाता है, और ये बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि इसका एक्सपेरिमेंट काम कर गया है। और ये जाके उधर देखता भी है कि यार गड्ढा कितना ज्यादा बड़ा हुआ है। वैसे ये चाहता था कि यार इसका गड्ढा थोड़ा सा और बड़ा हो, इसमें और पावर आ जाए, तो ये मुझसे वापस मांग लेता है, और इसको मैं ये दे भी देता हूँ। और फिर मैं इसको बोलता हूँ कि यार मुझे लेके चलो उस पहले विच के पास जो कि उसकी बीबी है विजार्ड की, और मुझे वो सबसे पहले तो वो वाला स्टिक चाहिए। तो ये मेरी बात तो मान जाता है, और ये मुझे एक और बात बोलता है कि यार इसको बहुत सारे अलग अलग टाइप के ओर्स चाहिए, ज्यादातर इसको रेड स्टोन चाहिए, तो यार वो मुझे माइन करके ला के देना पड़ेगा इसको, जिससे यार ये वाली स्टिक बहुत ज्यादा अपग्रेड कर देगा। तो मैं भी इसको हाँ बोलता हूँ। तो ये सबसे पहले मुझे इसके पास ले चलता है वो जो विच थी, और भाई यार ये मुझे एकदम खतरनाक सी कोई जगह पे लेके आया था। तो यार हम दोनों साथ में ऊपर जा रहे थे, लेकिन एकदम से इसका AI इसको बोलता है कि इसको एक मिशन पे जाना है, तो ये यहाँ से जाने की परमिशन मांगता है मेरे से। तो यार मैं इसको बोलता हूँ कि यार जाओ तुम जिसको बचाना चाहते हो जाके बचा लो, और फिर घर पे मेरा वेट करना। तो ये यहाँ से चला जाता है, और फिर उसके बाद यार मैं यहाँ से चला जाता हूँ ऊपर की तरफ। लेकिन पीछे जब मैं देखता हूँ ना यार, तो यहाँ पे यार सच में यार एक भी पेड़ नहीं था जिसके ऊपर पत्तियां हों। तो यार जाने दो वो बात को। तो यार इस विच से मैं बात करता हूँ, और इसको मैं सारी कहानी बताता हूँ, लेकिन यार ये ना मेरी बात यार आसानी से मानने वालों में से थी नहीं। तो अब मैं क्या ही कर सकता था, इसको मैं बुक दे देता हूँ जो यार मुझे ओडिन ने दिया था। तो इसको मैं सबसे पहले देता हूँ, ये इसको पढ़ती है, तो इसको थोड़ा बहुत विश्वास होना चालू होता है मेरे ऊपर। और फिर इसको जब मैं बताता हूँ कि यार अब इसका जो पति है वो नहीं रहा है इस दुनिया में, तो यार इसको ये बात सुन के बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और यार उसके पति की एक निशानी थी मेरे पास, तो जो मैं इसको ही दे देता हूँ यार टोटम का, मैं क्या करूँगा। तो इसको मैं जब देता हूँ, तो इसको लेके बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और रोना चालू कर देती है। लेकिन ये बोलती है कि यार अब यार तुमको उसको मारना ही पड़ेगा, उस गौर के वजह से इसका पति मरा है, तो मुझे अब उस विजार्ड का भी बदला लेना पड़ेगा उसको मार के। और जब ये मुझसे एमराल्ड मांगती है, तो मेरे पास था नहीं, शायद मैं भूल चुका था कि वो कहाँ है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे उसी टाइप के एस्ट्रॉइड वाले स्ट्रक्चर है जो कि एस्ट्रॉइड थे जो कि गिरे थे दूसरे यूनिवर्स से, तो इसको मैं तोड़ूंगा। लेकिन यार तोड़ने के मेरे पास यार कुछ भी हथियार थे नहीं, तो यार मैं एक अलग ही डंजन में लूट करना चालू करता हूँ। और यहाँ पे मुझे आयरन की पिकेक्स मिल जाती है, और ऊपर में थोड़ा बहुत गोल्ड था, तो इसको भी हम लोग ले लेते हैं ऐसे ऊपर ऊपर से। और उसके बाद यार मैं जल्दी से इसको खोदना चालू करता हूँ, और यार मेरे पास वापस से 100 एमराल्ड हो गए थे, वैसे ज़्यादा ही हो गए थे। तो जाता हूँ मैं
वापस से उस विच के पास, और यार इस विच को जल्दी से आके मैं दे देता हूँ वही हमारे पूरे एमरल्ड, और साथ में यार इसको मैं फ्री गोल्ड भी दे देता हूँ। और यार ये देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और उसके बाद यार ये मुझे आखिरकार वो दे देती है जो मुझे चाहिए था। आखिरकार यार ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है दिखने में, और अब मैं इसी से एक पोर्टल बनाऊंगा जो कि मुझे कनेक्ट करेगा एसगार्ड में। तो यार अब ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात थी मेरे लिए। तो यार अब बारी अब उस राक्षस से बदला लेने के लिए, लेकिन घर जाने से पहले यार सबसे पहले मैं हमारा माइनिंग कर लूँगा कुछ ओर्स, और यही था वो ओर जो टोनी भैया ने मांगा था। तो सबसे पहले टोनी कक्कर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, और जैसे ही मैं पूरा सामान लेके घर पहुँचता हूँ वैसे ही मुझे दिखता है कि यार हमारे घर पे हो चुका है अटैक, और टोनी भैया जो है हमारे भाई वो सबको मिलके एकदम अकेले मारे जा रहे हैं। तो यार मैं भी आ जाता हूँ इस फाइटिंग में, और यहाँ पे बहुत सारे विदर आ चुके थे भाई पता नहीं क्यों नेदरराइट का कपड़ा पहन के, तो इन लोगों को मैं मारता हूँ। और एक विदर भी था जो कि पैरों पर भाग रहा था, जिसको देख के यार मैं अलग ही डर जाता हूँ, पता नहीं क्या इतनी अजीब सी चीज़ मुझे देखने मिल गई थी। लेकिन यार इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि यार इसने टोनी भाई को मारा है हमारे, और टोनी भाई भी पूरे फॉर्म में इनको मारते हैं। और जैसे ही इन लोग को मारते हैं तो यहाँ पे वापस से सुबह हो जाती है, और यार ये मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन यार जो हमारा घर है ना वो अब जल के खत्म हो चुका है। तो यार मैं टोनी भाई को बोलता हूँ कि यार जो पीछे में जो जगह है ना अपने कोई भी एक्सपेरिमेंट तुम वहाँ पे कर सकते हो। तो ये जैसे ही वहाँ पे जाता है और मैं भी यहाँ से निकल लेता हूँ अपने काम के लिए जो कि था एक पोर्टल बनाने का। तो फिर उसके बाद यार मैं जल्दी से आ जाता हूँ एकदम ओपन वाले जगह में, और यहाँ पे मैंने एक खतरनाक सी जगह बना ली है, और यार इसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा ना वैसे ही ये पोर्टल एक्टिवेट हो जाएगा, और कुछ ही देर में यहाँ पे वो बन जाता है पोर्टल, और इसी के अंदर जैसे मैं घुसूंगा वैसे ही मैं पहुँच जाऊँगा एसगार्ड में। तो यार ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, सबसे पहले मुझे यहाँ अंदर जाना पड़ेगा, और इसके बीच में जैसे ही मैं जाता हूँ वैसे ही मैं टेलीपोर्ट हो जाता हूँ एसगार्ड में। और भाई ये जगह देखने के बाद ना यार मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता है एकदम, और ये जगह यार बहुत ज़्यादा अमीरों वाली थी, ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे अंबानी ने बनाया है, लेकिन ये हमारे एसगार्ड है हमारे ओडिन का जो कि मेरा पापा है। और अब जो ये वाला रोड है ना यार मुझे यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर भागना पड़ेगा, लेकिन इधर आने के बाद यार मेरे पास एक भी सामान नहीं बचा है मेरा पता नहीं क्यों। और फिर इसके बाद यार मेरी नज़र जाती है ये वाले बिल्डिंग पे, और जो कि था हमारा एसगार्ड। यार ये बहुत ज़्यादा गजब एकदम खूबसूरत जगह है ये। तो यार कोई बात नहीं, जल्दी से जाके मैं मिलता हूँ ओडिन से। और यार उसके बाद मैं जैसे ही अंदर जा रहा था यहाँ पे एक ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स चालू था, शायद पता नहीं क्या हो गया था इधर, शायद सच में यहाँ पे किसी का अटैक तो नहीं हो गया मुझे नहीं पता, लेकिन अंदर जाता हूँ तो यार यहाँ पे कोई दिखता नहीं है मुझे, पता नहीं कैसे एक भी इंसान यहाँ पे था नहीं। तो यार इतनी बड़ी जगह अब किसके लिए यार मुझे कुछ नहीं पता। तो यार जैसे ही मैं पीछे पलटता हूँ तो यहाँ से आती है एक वेलकरी, और यार बाजू में छुपी हुई थी, और ये मुझे आके बताती है कि यार अभी अभी यहाँ पे गौर आया था और वो तुम्हारे पापा को उठा के ले गया है, और वो तुम्हें ही ढूंढने की कोशिश कर रहा था इसलिए तुम्हारे पापा को उठा के ले गया है। तो यार जल्दी से इसकी बात सुन के जल्दी से भागने लगता हूँ उसी पोर्टल के तरफ जहाँ पे हमको स्पॉन किया गया था इस एसगार्ड में। और जैसे ही मैं उस जगह पे जाने लगता हूँ तो यार मुझे सच में वही गौर दिख जाता है, और ये मुझे बोलता है कि तुम्हारे पापा ओडिन को किडनैप करके रख लिया है, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझे हराओ और अपने पापा को छुड़ा लो। और फिर उसके बाद यार ये एकदम से मेरे ऊपर अटैक कर देता है। यार अभी तो मैं इससे लड़ने के मूड में था नहीं, क्योंकि यार मेरे पास मेरा स्वॉर्ड नहीं था, तो यार मुझे यहाँ से भागना पड़ता है। ये मेरे पास आ रहा था, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तो मैं यहाँ से नीचे कूद जाता हूँ। और यार इधर पानी के अंदर भी एक पोर्टल था जिससे मैं पहुंच जाता हूँ वापस उसी जगह में जैसे मैं हमारे एसगार्ड में वापस से घुसा था। और यार ये जगह में आते बराबर यार मुझे दिख जाता है एक स्पाइडर जो कि यार लगता है मेरा ही वेट कर रहा था, तो इसको मैं सबसे पहले मारता हूँ, इसको भेज देता हूँ एसगार्ड में। और आगे जाने के बाद मैं जैसे ही अपना घर पहुंच रहा था वैसे मुझे दिखता है कि यार मुझे एकदम भयानक वाला सूट मिल चुका है जो कि था फाइटिंग वाला। और घर आते बराबर मुझे दिखता है कि हमारे आयरन मैन को किसी ने मार दिया है, जो कि यार उस गौर ने भेजा था इसको मारने के लिए। तो यार अब मेरा पूरा दिमाग खराब हो गया था, क्योंकि यार टोनी भैया को इसने मार दिया भाई इस राक्षस ने। तो यार इस बंदे में मेरा पूरा दिमाग पूरा खराब हो जाता है, तो इसको मैं मारना चालू करता हूँ, लेकिन यार इसमें ना बहुत ज़्यादा दम था यार, सच बताऊँ ना इसको 50 के अटैक डैमेज से भी मुझे बहुत बार मारना पड़ा था, और यार इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी एबिलिटी भी थी एकदम एबिलिटी, सीधी सी बात बोलूँ तो यार वो खतरनाक था। और यहाँ पे यार कुछ आयरन भाई की हमारी थोड़ी बहुत एकदम निशानी बची हुई थी, और यार यहाँ पे शायद आयरन भाई हमारे टेस्ट कर रहे थे इनका वही औजार जो था उस चिक, और यार इस बार सच में इनका रिजल्ट अच्छा है पिछले वाले से। तो और यार यहाँ पे मैं जल्दी से इनकी एक ग्रेव बना देता हूँ, और यार यहाँ पे हेड डाउन करके थोड़ी देर के मॉल रख लेता हूँ मैं। और यार अब मैं इनका बदला तो मैं लेके रहूँगा, जो हमारे आयरन भैया मरे हैं ना यार मेरा एक लौता दोस्त, तो मैं उसका बदला लूंगा। और यार एकदम से आता है एक भाई वही वाला विदर जो कि पैरों पर चलता है, और ये मुझे बोलता है कि यार गौर तुमको बुला रहा है तुमसे लड़ने के लिए, अगर तुम नहीं गए तो वो तुमको यहीं आके मारेगा। अब वो मुझे क्या मारेगा यार, मैं खुद ही उसको ढूंढना चाहता था मारने के लिए, तो यार क्या बात है, अब ये यही मुझे जब ले जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो फिर मैं एक बहुत अजीब सी जगह में पहुंच जाता हूँ, और यार ऊपर में मुझे दिखता है गौर, और ये ऊपर से मुझे बोलता है कि यार अभी यार ये जो है मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, पता नहीं कि इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। तो यार ये दो अलग से जानवर स्पॉन कर देता है, तो सबसे पहले यार मेरा झगड़ा इनके साथ ही रहता है, तो इन लोगों को मैं मारना चालू करता हूँ, लेकिन यार एकदम से मुझे नशे हो जाते हैं पता नहीं क्यों, यार इन लोगों ने कोई तो पॉइजन छोड़ा है जिससे यार मैं पूरा पागल हो जाता हूँ। और यार यहाँ पे मैं अपना हैमर फेंकता हूँ और वो इस बार वापस भी नहीं आता है, तो यार अब मुझे नहीं पता था यार मैं क्या कर सकता हूँ। तो यार बाजू मुझे एक अजीब सा जेल दिखता है जो कि था यार हमारे
ओडिन। तो यार इसको मैं सबसे पहले यहाँ से बाहर निकालता हूँ, और ये बाहर आके यार इसको मैं बताता हूँ कि यार जो मेरा हैमर है वो अब घूम चुका है यार, पता नहीं कि वो वापस ही नहीं आया इस बार, शायद इन लोगों ने उसको गायब कर दिया है। तो उसके बाद यार ये मुझे दे देता है एक भाई अच्छा सा स्ट्रॉन्ग ब्रेकर, जो कि यार बहुत खतरनाक सा वेपन है हमारे थॉर भाई के लिए, मतलब जो कि थॉर मैं ही हूँ। तो उसके बाद यार मैं इनको जाने के लिए बोल देता हूँ, यार वो चले जाते हैं। और यार अब मैं यार पूरा फॉर्म में आ गया था, और यार ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकर भाई घूमते घूमते जाता है, और एक एक करके मैं इन लोग को मारता हूँ। और उसके बाद यार जो हमारा टोनी स्टार्क वाली चीज़ थी ना, उसमें से एक और भयानक सी चीज़ें निकलती है जिससे मैं इनको एक ही बार में ख़त्म करता हूँ। और उसके बाद यार जो गौर था ना वो खुद ही आ जाता है मुझसे लड़ने के लिए, लेकिन यार जितनी बड़ी बातें कर रहा था ना ये उतना खतरनाक था नहीं। इसको मारना सच बताऊँ तो यार बहुत ज़्यादा ईजी था मेरे लिए, एकदम थोड़ी कुछ देर ही लड़ता हूँ मैं इससे, और उसके बाद इसको आखिरी बार जब मैं मारता हूँ ना स्टॉर्म ब्रेकर से, बहुत आराम से मर जाता है। और यार हमने हमारे एसगार्ड को बचा लिया, और साथ ही साथ हमने ओवरवर्ल्ड को भी बचा लिया। और अगर ये वीडियो देखने में तुमको मजा आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। बाय।